इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से मेनली चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो हमें बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो इसके आंसर के अंदर हमें लिखना है कि प्राइमा फेसी बोथ आर डिफरेंट, कि देखने में तो ऐसा लगता है कि ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद हमें ये बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड फैक्ट्स इन मॉनिटरी टर्म्स। जब हम अपनी ट्रांजेक्शन एंड फैक्ट्स को मॉनिटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तब हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टेकिंग डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, और वो किसकी हेल्प से डिसीजन लेता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की हेल्प से लेता है। और वो ये डिसीजन लेता है किस लिए, ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ हो। तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है डिसीजन लेने के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगी। तो बट इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज बाय फाइनेंशियल मैनेजर फॉर टेकिंग डिसीजन। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना नहीं हो सकती। तो हमें यहां पे इसका आंसर मिल जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो है, जो दोनों के दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो जैसे कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट मिलती है, तो उसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहां पे एंड होता है वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स, देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग मैनेजर की, फाइनेंशियल मैनेजर की, फाइनेंशियल मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी टोटल पांच रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें से दो जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बाकी तीन जो है वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। सो जो मेन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर सबसे फर्स्ट है रेजिंग ऑफ फंड्स। सबसे पहले उसको फंड्स को रेज करना है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनेंशियल मैनेजर की है वो है कि उसको फंड्स को रेज करना है, और उसके बाद जो फंड उसने रेज किए हैं उसको प्रॉपर एलोकेशन करना है टू ऑल पार्ट्स ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ये तो जो दो फंक्शंस हैं ये इसके मेन फंक्शंस है फाइनेंशियल मैनेजर के। तो फर्स्ट है कि उसको फंड्स को रेज करना है, सेकेंड है कि उसको प्रॉपर एलोकेशन करना है उन फंड्स का टू ऑल पार्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, की सारे के सारे पार्ट्स के अंदर उसको प्रॉपर एलोकेशन करना है उन फंड्स का जो फंड्स उसने रेज किए हैं। उसके बाद जो अदर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फाइनेंशियल मैनेजर की, उसके अंदर तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फर्स्ट आती है एवेल्यूएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेस, की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एंटरप्राइज को, उसको एवेल्यूएट करता है। उसके बाद एफिशिएंटली डीलिंग विद दोज हु प्रोवाइड फंड्स, की उनके साथ डील करता है जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके साथ एफिशिएंटली डील करता है। और थर्ड आता है कीपिंग वॉच ओवर स्टॉक मार्केट कोटेशंस, और स्टॉक मार्केट कोटेशंस के ऊपर ध्यान रखता है। तो ये तीन जो होते हैं उसके अदर फंक्शन होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं उसके मेन फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। उसके बाद आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, अब आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो इसके तीन टाइप के रोल होते हैं। फर्स्ट उसको होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों रोल इसको परफॉर्म करने होते हैं। तो फर्स्ट रोल के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर उसको क्या डिसीजन लेना होता है कि जो असर्ट्स हैं
जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। उसके बाद आता है सेकंड रोल, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके अंदर वो एनालाइज करता है डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड चूज सूटेबल सोर्स, कि कौन सा सबसे सूटेबल सोर्स है उसको चूज करता है एनालाइज करके कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। इसके अंदर वो ऑप्टिमाइज मिक्स भी बनाता है कि डेब्ट से लेना है फंड या इक्विटी से लेना है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर डिसीजन लेता है। तो ये सेकंड रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। थर्ड रोल आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर ये होता है कि जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है उस प्रॉफिट में से कितना प्रपोर्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये इसका थर्ड डिसीजन होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का थर्ड रोल होता है ये। तो फाइनेंशियल मैनेजर के तीन रोल हो गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो अभी हमने तीन क्वेश्चन देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर क्या होती है, फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि जो इतने सारे ईयर्स के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था इसका ट्रेडिशनल फेज था, उसके बाद ट्रांजिशनल फेज आया और अभी जो है मॉडर्न फेज चल रहा है। ट्रेडिशनल फेज के अंदर सिर्फ जो फाइनेंशियल मैनेजर होता था वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करता था कि फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, वो सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान रखता था। ट्रांजिशनल फेज के अंदर जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे आई थी, इसके अंदर ये था कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है। और जो अब मॉडर्न अप्रोच है इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहाँ से करना है और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ से करना है। इसके अंदर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर जो हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन तीनों आ जाते हैं। तो हमने चार क्वेश्चन देखे जो मेनली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, फिर हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फिर हमने देखा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फिर हमने देखा एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये चार क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर देखेंगे।